Hello students, and welcome to my channel. My channel name, all of you know that. And just today I came in front of you all to discuss some of the things, because what I found nowadays, we are, for example, your exams, one of the exams terms you all have given, okay? So ab uske baad jo mujhe lag raha hai ki aap log se mujhe baat karni chahiye, to bahut bada issue aa gaya abhi samne ki likhne wali baatein thi aur bahut acha aap log nahi likh pa rahe hain ya jo bhi problem hai. तो चलो वो तो हो गया, वो बीत गया. अब हमें करना क्या है, नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, क्या करें हम ऐसा. तो मुझे तो लगता है कि सबसे पहले आप लोग खुद को शीशे के सामने खड़े होकर देखिए दैट वेदर यू पीपल आर डूइंग जस्टिस विथ यू और नॉट. लाइक कोई भी काम हम करते हैं, जैसे हम लोग भी टीचर हैं, ठीक है, तो हम लोग कोई काम करते हैं तो हम लोग खुद को देखते हैं, हर दिन देखते हैं कि हाँ हमारा दिन प्रोडक्टिव है कि नहीं. तो मेरा फर्स्ट टिप है आज आप लोग के लिए, जो भी आज मैं आपके सामने आई हूँ, कि बस मुझे आप लोग को मोटिवेट करना है कि आप खुद को जज करिए. खुद को पहले दिन, मतलब हर एक दिन आप देखिए कि हाँ आप लोग का वो दिन प्रोडक्टिव है कि नहीं. प्रोडक्टिव इन द सेंस, अब आप स्टूडेंट हो, ठीक है, हम लोग का बात अलग है. अब स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लाइफ में आपका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना. और आप लोग के पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं पढ़ाई के लिए. ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो गया आप लोग के लिए, इतने सारे रिसोर्सेस आ गए. आप लोग, मुझे लगता है आप लोग कन्फ्यूज़ कर चुके हो. बार बार हम लोग कहते हैं कि हम लोगों से आप कांटेक्ट में रहिए, हम लोगों से बात कीजिए, जो ऑलरेडी हम लोग, इतना हमारे साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, हम लोग आप लोग को हेल्प करेंगे, स्पेशली आपके बोर्ड एग्जाम्स में. मेरा चैनल भी 10th बोर्ड्स के लिए ही पूरा फोकस मैंने किया हुआ है. तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, पहले तो बच्चों की आप लोग कंसेप्ट अपना सही लेकर आओ. कंसेप्ट आप लोग का पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है. एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेती हूँ आप लोग के सामने. फॉर एग्जाम्पल कि वैसलीन, क्या काम है वैसलीन का, बड़ा अच्छा ऐड आता है, त्वचा निखारे वैसलीन, राइट. क्या अगर हम उस वैसलीन को पत्तों पे लगाएंगे तो वही काम करेगा? नो, इट विल ब्लॉक द स्टोमेटा. क्या इतने छोटे से आप थे, क्लास सिक्स में थे, तब आपने पढ़ा कि उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा. भाई वैसलीन आप पोर्स पे लगाओगे तो ब्लॉक हो जाएगा ना बच्चों. मतलब कंसेप्ट ही नहीं है तुम लोग का, पूरी तरह से कंसेप्ट ज़ीरो, बड़ा वाला ज़ीरो. सो नाउ दिस इज़ द टाइम टू वेक अप. जागिए आप लोग, प्लीज़ जागिए आप लोग, जागिए आप लोग कुछ तो कीजिए. आप लोग पढ़िए, पूरा कंसेप्ट क्लियर कीजिए, एंड प्लीज़ 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 डू वेल इन योर फर्स्ट टर्म एग्जाम्स विच इज़ जस्ट वेरी नियर टू यू ऑल. और मतलब सब चीज़ों को हटा दीजिए अभी लाइफ से, या आप उसको थोड़ा सा टाइम कम कर दीजिए. जो भी आप एक्स्ट्रा करते हैं उसके लिए टाइम थोड़ा कम करिए. और प्लीज़ एनसीईआरटी को लाइन बाई लाइन पढ़िए. मैंने बार बार बोला एनसीईआरटी को पढ़िए, एंड आई एम जस्ट होपिंग दैट यू आर नॉट गोइंग टू दिस मच ब्लंडर इन योर बोर्ड एग्जाम्स. आई होप सो. सो मेरी यही आप लोग से गुजारिश है, और आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 आप लोग फोकस करिए. कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, SST हो, साइंस हो, मैथ्स हो, प्लीज़ आप फोकस करिए. अब आप लोग का टाइम आ गया, दिस इज़ द राइट टाइम, ठीक है. थैंक यू ऑल, यही मुझे आज बोलना था आप लोगों से, ठीक है. थैंक यू सो मच.